हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं पैल वर्ल्ड। और गाइस, पिछली बार आप लोग को याद होगा कि गाइस हमने एक बहुत ज़रा खतरनाक वाला पोकेमोन पकड़ा था जिसका नाम था ग्रिजली वोल्ट। और गाइस वो बहुत ज़रा खतरनाक एक इलेक्ट्रिकल पोकेमोन है गाइस, उसमें से बहुत ज़रा खतरनाक सी वायरस निकलती है भाई, कुछ ज़्यादा ही उसमें पावर्स हैं। और गाइस आज का हमारा गोल है कि गाइस हमें उस ट्री के पास जाना है और भाई वहाँ पे जो भी होगा भाई उसको हम देखेंगे भाई, उसमें क्या है उसमें क्या नहीं है भाई। तो आज हम लोग गाइस उस ट्री के पास जाएंगे, तो लेट्स गो भाई। मेरे को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि भाई उसमें क्या होने वाला है भाई। और भाई पता चला उसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक सा एक सिटी है या कुछ। तो और भाई बीच में गाइस हम बहुत सारे भाई पैल्स भी पकड़ेंगे और गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो भाई मैं यहाँ पे नाइट विंग के ऊपर भाई चढ़ के भाई यहाँ से जा रहा हूँ और भाई वहाँ पे देख सकते हो भाई कुछ ज़्यादा ही नए नए भाई यहाँ पे पैल्स हैं। ओके वहाँ पे भाई वो टी फैंट देख रहे हो भाई, एक नया पैल जो कि मैंने अभी अभी देखा है भाई। तो अभी गाइस हम जल्दी जल्दी भाई उस ट्री के पास चलते हैं। और गाइस उसमें अंदर आई थिंक कोई तो बॉस फाइट होने वाली। तो गाइस मुझे यहाँ पे एक न्यू सा पैल दिखा है और भाई इसको एक बार पकड़ने की ट्राई करते हैं भाई। इसका नाम है टेंजी। वाह भाई ये तो एकदम जिम्पैंजी जैसा लग रहा है। वेट ओ भाई 100% भाई। ओके यहाँ पे गाइस इसको भाई हमने पकड़ लिया है, लेट्स गो। तो वहाँ पे भाई दो और तुम भी आ जाओ, ये ले और तुम भी आ जाओ। तो गाइस हमने भाई यहाँ पे तीन टिम्पैंजी पकड़ लिए हैं भाई। ये जिम्पैंजी भाई जिम्पैंजी की मतलब थोड़ी सी अजीब वाली लैंग्वेज में इसका नाम जिम्पैंजी का भाई, देख रहे हो टिम्पैंजी। और भाई यहाँ पे हम जल्दी से भाई अभी अपने नाइटविंग को उड़ाते भाई लेके चलते हैं। तो भाई वहाँ पे भाई थोड़ा सा वहाँ पे स्मोक निकल रही है भाई, एक बार वहाँ पे जाएं क्या। चलो भाई अगर हम इतना दूर जा ही रहे हैं तो भाई उधर भी चले जाते हैं। वेट भाई यहाँ पे तो गाइस नीचे में एक ये वाला भाई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक सा इथिक इथिक डियर कुछ तो है भाई यहाँ पे। ये वैसे ये मेरे ये तो मेरे पास है। तो भाई यहाँ पे गाइस इधर है भाई ये रे। ओके तो ये भाई ये वो बंदे हैं जो कि पैल्स को फालतू में मारते हैं। तो आई थिंक मुझे इनसे फाइट करनी चाहिए क्योंकि गाइस मुझे मुझे यहाँ पे भाई ये पैल पिटते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। तो वेट मेरे को यहाँ पे अपना ये ले, रुको यहाँ पे गाइस मैंने अटैक किया और ये इसके लगा भाई वन शॉट हो गया। आ जा आ जा दूसरे दूसरा कहाँ है, हाँ यहाँ है ना, तुम भी लो। वेट मेरे को यहाँ पे पैल ब्लास्ट करना है ये और ये इधर से भाई। देख रहे गाइस सारे यहाँ पे हमने नॉक डाउन कर दिए। तो अभी गाइस इधर चलते हैं यहाँ पे देखते हैं कि किस पैल को ये पकड़ के बैठे थे यहाँ पे। ओके तो अभी गाइस अरे भाई शिट, ओ मैंने गलती से कर दिया। ओ शिट गाइस यहाँ पे मैंने गलती से दो कैटिवा मार दिए। ओके सॉरी सॉरी भाई मेरे को गलती से मैंने वो क्लिक कर दिया। तो अभी गाइस यहाँ पे ये कौन सा पोकेमोन है, वेट वेट भाई ये कोई तो फायर फायर वाला पोकेमोन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, इसका नाम क्या है। ओके फ्लेमेबल हाँ भाई इसका नाम फ्लेमेबल है। तो गाइस यहाँ पे मुझे एक फ्लेमेबल नाम का एक पैल मिल चुका है और भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा है। तो यहाँ पे भाई मेरा वो कहाँ, ओ भाई देख रहे हो अपने आप से ही फाइट हो रहेगा भाई, पता नहीं क्या ही चल रहा है इनका। तो अभी मैं अपने नाइटविंग को यहाँ पे भाई समन कर लेता हूँ और वो ट्री कहाँ गया वेट। और यहाँ से भाई ये क्या पक रहा है भाई यहाँ पे, कुछ तो पक रहा है भाई, कुछ तो टेस्टी। वाह भाई यहाँ जी गाइस ये अपने यहाँ पे कैंप लगा के बैठे थे अपने इन पैल्स को मारने के लिए। तो अभी यहाँ पे भाई जल्दी से इस जगह से निकल जाते हैं। वेट पहले तो सामान ले लो। हाँ तो अभी यहाँ पे जल्दी जल्दी इस जगह से निकलते हैं, पता चले यहाँ पे और आ रहे हैं। तो गाइस जहाँ है भाई मेरे ऊपर यहाँ पे ये देख रहे हो भाई, मैं इसके ऊपर मेमोरस के ऊपर खड़ा हो चुका हूँ और भाई इसके ये देख रहे हो मैं इसको कब से पीटे जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी भाई इसके ये कैप्चर चांस बिल्कुल कम है। ले और ले और खा अब नहीं भाई अभी भी इसके इतने कम कैप्चर चांस है। इसको इसमें ऐसा क्या है भाई इतनी रेयर के ये। वेट ये ले आए मजा अब तो हो जा अब अभी तक 0.09। वाह भाई इतना इतना कम कैप्चर चांस। ओके आई थिंक इस बार आ जा आ जा आ जा प्लीज़ 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 प्लीज़। अरे यार भाई इसमें कुछ ज़्यादा एटीट्यूड है तो ज़्यादा ये फ्री नहीं हो रही। ये ले ओके यहाँ पे भाई मैंने इसको बहुत खतरनाक वाला अटैक किया और ये भी ले नाइस भाई मैं मोर इससे भी नहीं मर रही है भाई इसमें ऐसा क्या। वेट इसको तो बहुत बुरा पीटूंगा। इधर इधर वेट मेरे को आई थिंक गाइस अपना कोई दूसरा वाला पैल निकालना चाहिए, ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक वाला पिट रहा है भाई। वेट इधर इधर थोड़ा सा इसको भाई अब थोड़ा इधर से दूर चलते हैं प्लीज़ छोड़ दे छोड़ दे। अरे नहीं भाई अभी तक अटैक कर रही है तू। हाँ अब मैं भेजूंगा इसको आ जा तेर को तो इधर मिसाइल लॉन्चर पड़ेगा ये ले। अरे भाई वाह भाई ओके ओके मार 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 पेंगुलेट इसको मार दे। शिट यहाँ पे गाइस बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला अटैक किया पेंगुलेट ने लेकिन फिर भी ये नहीं मरी।
अरे कितना क्या चीज़ खा के आई है। ओ भाई वेट, मेरे को यहाँ पे फाइट देखनी है। अभी तक 1.97% चांस मिल रहा। ओके प्लीज़ इस बार, प्लीज़ 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 प्लीज़। शीट गाइस, इसका तो भाई चांस भाई कम होते जा रहा है। वेट भाई, मेरे को इधर कोई तो खतरनाक सा अपना पहले, वेट पहले तो मेरे को खाना खाना है। अरे भाई खाना ही नहीं मेरे पे। वाह भाई खाना ही नहीं लाया मैं। क्या करें क्या करें। हमारे भाई पेंगुलेट की तो एकदम मस्त हेल्थ चल रही है, लेकिन उसकी बहुत कम हो रही है। वेट वेट, भाग 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 भाग। तो अभी इधर मैं जाऊँगा और इसको इसको बोलूँगा फाइट एग्रेसिवली। भाई कब से वो तेरे को मारी जा रही है, पीटे जा रही है, तू कुछ नहीं कर रहा। हाँ अब मार मार इसको, मार मार मार। ओ भाई भाई इसको तो भाई एकदम ही डाउन कर दिया। अरे शेट भाई, मेरे को ये पकड़नी थी। कोई नहीं भाई, हम यहाँ पे गाइस अभी चढ़ते हैं। भाई तू इधर आ जा, ये तो कुछ ज़्यादा ही भाई पेंगुलेट कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। अरे शिट भाई, ये तितली अलग से मार रही है, मैं बहुत पिटूंगा। वेट वेट, मेरा एक नाइट विंग इधर। तो भाई मैं अपने नाइट विंग के ऊपर चढ़ के भाई यहाँ से निकल रहा हूँ भाई। ओके यहाँ पे गाइस अभी भाई हम उस ट्री के भाई कुछ ज़्यादा ही क्लोज तो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्या है भाई? ये कोई तो यहाँ पे टाउन है, कुछ तो किंगडम है भाई ये। अरे भाई साहब, यहाँ पे गाइस ये देख सकते हो, इधर ये बहुत सारी ये तितलियाँ उड़ रही हैं। और भाई इधर कोई तो इंसान है। ओ भाई यहाँ पे इंसान है, लेकिन ये इनको मार रहे हैं। वेट वेट, मेरे को यहाँ पे एक ये, हाँ इधर 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 मेरे को इसको पकड़ना है, लेकिन इसके कैप्चर रेट बहुत कम है। एक बार गाइस ट्राई करते हैं और भाई अब देखते हैं। प्लीज़ प्लीज़। ओके फाइनली भाई मैंने इसको बहुत मुश्किल के बाद गाइस पकड़ लिया। तो अभी गाइस यहाँ पे हम इधर चलते हैं एंड ओ भाई ये क्या है, सील्ड रेलम ऑफ स्पिरिट्स। ओ भाई साहब यहाँ पे कुछ तो सील्ड वुड लाइक टू। ओ भाई यहाँ पे गाइस हम एक डंजन में अंदर जा सकते हैं। तो भाई यहाँ पे हम एक डंजन में अंदर आ चुके हैं। और ये कौन है, पेटालिया भाई, ये कौन है पेटालिया? हेलो चले। ओ भाई अरे मार रही है, अरे मार रही है भाई भाई ये तो मार रही है। ले भाई मैंने इसको कैप्चर कर लिया। ओ भाई तो गाइस मैंने भाई इसको यहाँ पे कैप्चर कर लिया है भाई साहब, ये देख रहे हो बॉस फर्स्ट किल। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक बहुत खतरनाक वाला बॉस पकड़ लिया है, पेटालिया भाई इसका एक तो नाम ही एकदम अजीब सा है, पेटालिया। हाँ पेटालिया नाम की भाई एक मैंने बॉस पकड़ लिया है। और भाई आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होने वाली है। मैंने इसको पकड़ तो एक शॉट, अब मत मारियो, अब तू इससे पीट मार इसके, हाँ मार 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 मार। और भाई ये देख सकते हो गाइस एक ग्लिच भी है इसमें, ये जो ग्रिज बोल्ट है ना भाई, इसके ऊपर वो जुई भी बैठी हुई है भाई। वो देखो भाई वो जो बॉस फाइट में मैंने इसको कैप्चर कर लिया था ना, उसके ऊपर अभी तक ये बैठी हुई है। ये ले तू भी ले। ओके मैं सबको पकड़ रहा हूँ और कहें। ओके ओके मार मार मार। क्या करना है, फीड ग्रिज बोल्ट, इसको फीड कर सकता हूँ भाई मैं। तो इसी के साथ हमें एक और यहाँ पे कैंप मिल चुका है इन फद्दू वाले ये सोल्जर्स का। तो भाई मेरे को इनको भी भाई पीटना होगा, क्योंकि भाई ये हमारे प्यारे प्यारे पैल्स को भाई ये कैद करके बैठे हैं। इधर इधर रुको, मेरे को अपना भाई यहाँ पे ये नाइट विंग छोड़ देना चाहिए, कि भाई ये बहुत बुरा पीटेगा इनको। ओके जाए नाइट विंग, पीट इनको, मार अटैक एग्रेसिवली, मार मार मार। अरे भाई साहब, ओ भाई क्या अटैक किया है, एक तो गया एक तो गया। यहाँ पे ये वाले भाई, ये कौन सा पैल है? ओके यहाँ पे गाइस ये कोई तो गोट प्लस वुल्फ वाला पैल यहाँ पे मुझे मिल रहा है, और फायर वाला ये भी। लेट्स गो। तो हमें गाइस एक और पैल मिल गया जो कि बहुत ज़्यादा, इसका नाम है आरसॉक्स। ओ भाई आरसॉक्स बड़ा खतरनाक नाम है भाई इसका तो। ओके नाइट विंग आ जा, अरे ओ भाई तू भी जा। ओके ये भी है, तू भी जा ले ले ले। भाई मेरी शॉट ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ओके यहाँ पे और भी है ना, नहीं नहीं ये ही मार रहे इसको। ये कौन है भाई, ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रही है भाई, इतना सिग्मा। ओके तो अभी गाइस मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि भाई ये बहुत बुरा पिट रहा है। अरे छोड़ दे भाई, निकल गया मैं अब तो, छोड़ दे। वो भाई ये कौन सा अटैक है भाई, ये देखो गाइस ये कोई तो खतरनाक सा अटैक कर रहे हैं भाई एक दूसरे को। चलो भाई मेरे को तो इससे कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे अभी डेजर्ट बायोम आ चुकी है आगे में। तो गाइस इस डेजर्ट बायोम में ये खतरनाक सा पैल दिख रहा है। अरे भाई ये तो गोलियाँ भी मार रहा है, इसका नाम डिजिटाइज है। हेलो भाई मत मार। अरे भाई नाइट विंग को छेड़ दिया इसने, अब तो है गया। अरे भाई देख रहे हो, उड़ा उड़ा के मार रही है वो। मार 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 नाइट विंग मार, छोड़ियो मत इसको। ओ भाई साहब फायर वाला अटैक, अरे नहीं ओ नहीं, अरे छोड़ दे भाई, अरे माफ़ कर दे गलती से।
इतना ज़्यादा छाना भाई, देख रहे हो तीन चोट पड़े, इधर इधर के इधर ही ढेर हो गया। और भाई मैंने यहाँ पे अपना मेमोरिस्ट छोड़ दिया, मारना उसको, अरे मारना, अटैक एग्रेसिवली। ओ भाई भाई मैं भी कितना अकलमंद हूँ ना, वो पहले से ही मर रखा है। वाह भाई, तो अभी गाइस हम इधर चलते हैं, एंड ये मेगा स्फीयर मैंने ले लिया। और टाइगर, ओ भाई यहाँ पे टाइगर है छोटू सा। ओ भाई साहब, और ये क्या चीज़ है भाई, इधर बहुत सारे खतरनाक अजीब अजीब से पैल्स हैं, और मैं इनको पकड़ने वाला हूँ। इधर तू आ। ओके तो यहाँ पे भाई एक ये वाला पकड़ लिया है, एक ये वाला, इसको क्या हो रहा है, हाँ ओ ये रहा है, रहा है। हाँ भाई डिजिटल, तेरे को ज़्यादा ज़्यादा मस्ती है ना, मार मेमोरी कूट इसको, ये ले। ओ भाई साहब कुछ ज़्यादा ही खतरनाक वाला है, इसको मार रहा है, मार 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 मार। ओके हंगिया हंगिया, भाई मेरे पास हंगिया आ गई, पता नहीं क्या चीज़ है। ओके अच्छा अच्छा मैंने वो वाला पकड़ा ना, एक सांप जैसा कुछ तो ओ शिट, ओ नहीं भाई मेरे मेमोरिस्ट को बहुत बुरे वाली पड़ रही है, मार 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 मेमोरिस्ट, पीट दे इसको। ओके भाई इसने अर्थ अटैक किया, और उसने भाई क्या मार रहा है, ओ शिट, अबे मेरे को कौन मार रहा है, अबे सस्ती मुर्गी चली जा, अरे शिट, ओ भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक अटैक कर रही है, चिट चिट चिट, अरे भक्त। ओके ये गई, ये भी ले, और दूसरी भी है ना, तू भी ले। तो गाइस मैंने अभी भाई तीन मुर्गियां पकड़ ली भाई, ये इसका नाम टुकेट, और शिट भाई टुकेट टैग कटो भाई, इतना बड़ा नाम टुकेट तो काटो को भाई, इतना अजीब सा नाम, देख रहे हो। ओके ये भी क्या, ये भी क्या, ठीक है मेमोरिस ने उसको मार दिया क्या, ओ भाई इसने उसको मार दिया, वो जो डिजिटॉइस, एक तो इनके अजीब अजीब से नाम है ना भाई। चलो तो अभी गाइस हमने भाई इतने सारे पैल्स को मार दिया है भाई, वो भी उनसे बदले लेने के लिए, क्योंकि पिछली बार उन्होंने मेरे को बहुत पीटा था। तो अभी गाइस हम इधर चलते हैं, एंड भाई यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही खतरनाक खतरनाक से देख रहे हो पैल्स हैं ये डेजर्ट बायोम में। ओके तो अभी गाइस मैं अपने मेमोरिस्ट को इधर ले लेता हूँ, और इधर हम लेते हैं अपना ये वाला, ये नाइट विंग, लेट्स गो। तो अभी गाइस हम अपने नाइट विंग के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, ये कौन है, हेलो सर, इंसान जैसे दिखने वाले पैल ये ले। ओके तो भाई मैंने एक पकड़ लिया, और तू भी आ रहा, बॉस फर्स्ट किल भाई, वो इंसान जैसा दिखने वाला पैल एक बॉस था, व्हाट द हेल भाई, मेरे को लगा किसी डंजन में अंदर कुछ तो होगा, लेकिन भाई ये तो इधर आंखों के सामने खड़ा था भाई, पता नहीं क्या ही चल रहा है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे गाइस मैं ये वाली चेस्ट खोल लेता हूँ पहले, तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है, गोल्ड इंगट, ब्रेड और सिल्वर की, लेट्स गो। हमें यहाँ पे सिल्वर की मिली है गाइस, सिल्वर की भाई तुम लोग को पता हो तो भाई मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि कहाँ लगती है। और भाई अभी यहाँ पे आ गए, ये देख रहे हो यहाँ पे इनका एक और अड्डा, और ये एक और यहाँ पे पैल को कैद कर रखे हैं और दूसरे को मार रहे हैं भाई, इन पे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को, वेट वेट मेरे को इनको मारना चाहिए क्या भाई। चलो गाइस ट्राई करते हैं एक बार इनको पीटने का, वेट वेट मैं अपने नाइट विंग को छोड़ दूंगा इनके ऊपर, या कोई और पैल छोड़ो। चलो भाई नाइट विंग पीट दे, छोड़ियो मत, मार दे, अरे भाई, ओ भाई साहब क्या मार रहा है, लेट्स गो मार नाइट विंग, रुको नाइट विंग को छोड़ते हैं इधर भाई, ये ग्रेस बोल्ट बहुत खतरनाक है, मार 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 मार, अरे ये क्या हो रहा है इसको भाई, इसको ग्लिच हो रहा है। ओके तो भी गाइस ये ग्रिस बोल्ट उसको भाई पीटने गया भाई, देख रहे हो क्या खतरनाक, अरे भाई ओ भाई क्या मार रहा है। तो भाई अभी गाइस जहाँ पे हम इस वाले पैल को रिलीज़ कर देते, क्योंकि गाइस ये बेचारा बंधा हुआ है कब से, ये बेचारी है वैसे। और ये मेरे पास भी आ गई ब्रिस्टला। ओके तो अभी मुझे एक ब्रिस्टला मिल चुकी है भाई, तो यहाँ पे गाइस ये इस केज में अंदर थी, मैंने इसको आज़ाद कर लिया, और ये मेरी हो गई, लेट्स गो। और यहाँ पे गाइस क्रिस बोल्ट अपना मस्त वाला भाई फाइट कर रहा है, वो देख रहे हो, अरे भाई ओ शिट 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 भाई, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा खतरनाक अटैक्स हो रहे हैं, अरे भाई अरे तू भी फाइट कर रहा है, और तू भी आ है फालतू में सपोर्ट कर रहा है, उसको मार, ठीक है। तो भाई यहाँ पे गाइस ये भाई क्या खतरनाक पीट रहा है, अरे भाई मार 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 भाई, क्या इलेक्ट्रिसिटी छोड़ रहा है। ओके भाई अभी थोड़ी एक दूसरे दूर हो गए, और मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे को इस डिक टॉयस को फिर से नहीं मारना, क्योंकि इसको मारना बहुत ज़्यादा हार्ड है भाई, हम वापस चल जाते हैं फालतू पंगे लेने हमें। तो अभी हमारा टास्क है उस बड़े से ट्री के पास जाना, तो भाई वो उस ट्री में भाई क्या होने वाला है, क्या उसमें कोई फ्यूचर सिटी या कोई खतरनाक सा लैंड या कोई बॉस फाइट भाई होने, अरे तू छोड़ना, वो देख रहे हो अभी तक पीट रहा है भाई, कैसे कैसे पैल रहते हैं भाई यहाँ पे। तो भाई भाई हम जल्दी जल्दी भाई चलते हैं यहाँ से भाई, अभी तो थोड़ा सा ही दूर है भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है भाई। यहाँ पे यह एक आइलैंड के ऊपर है, और भाई ये कितना ज़्यादा बड़ा है भाई, देख सकते हो तुम लोग, लेट्स गो हम यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। और ये भाई अब ये बस
वेट, ये क्या है, ये क्या है? ओह शिट, ये देखो भाई, मैं इतना आगे से भाई उधर से आया हूँ और ये इधर वर्ल्ड बॉर्डर है भाई, इसके उस पर वो, ये सिर्फ एक बस डेकोरेशन के लिए भाई ये ट्री। व्हाट द हेल भाई, कुछ भी मतलब नहीं, ये मैं इतना हूँ वहाँ से आया हूँ भाई, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है भाई, ये ट्री फालतू में इस ट्री को लगा दिया इन्होंने, अब मेरे को यहाँ पे फास्ट ट्रेवल भी नहीं कर सकता मैं। तो गाइस अगर हम यहाँ पे आ चुके हैं तो भाई मैं सोच रहा हूँ एक बार इधर इस वाले आइलैंड पे चढ़ते हैं, और भाई डोंट टेल मी कि ये भी बॉर्डर के उस तरफ है भाई। चलो एक बार इस गाइस ये वाले आइलैंड के ऊपर एक टावर है तो वहाँ चलते हैं, क्या पता वहाँ पे एक खतरनाक सी बॉस फाइट हो। तो भाई यहाँ पे हम जल्दी अपनी नाइट विंग को भगाते हुए वहाँ पे चलते हैं। तो गाइस फाइनली भाई हम यहाँ पे आ चुके हैं, ओ भाई साहब फाइनली गाइस ये टावर के पास आ चुके हैं, तो अभी यहाँ पे हम लैंड करते हैं और अभी इधर चलते हैं। लेट्स वो तो 10 मिनट का टाइमर होगा और हमें उस बॉस को मारना है। ओके कोई तो खतरनाक सा बॉस होने वाला है, तो भाई होल्ड करते हैं एंड कंफर्म भाई, आई एम रेडी फॉर फाइट। ओके ये कौन है भाई, कोई तो खतरनाक सा बंदा आ रहा है भाई, ये तो गोजो है भाई। भाई ये गाइस ये देखो भाई पैल वर्ल्ड में गोजो, ओ भाई साहब ये तो भाई गोजो सातुरो है, जुजुत्सु कैसन वाला भाई। और ये क्या चीज, ये देखो भाई यहाँ पे ये देखो, और इसने कोई तो अपना पैल समन कर दिया यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई। ये तो एकदम वुल्फ प्लस नाइट विंग, हाँ भाई ये तो वुल्फ प्लस नाइट विंग है। ओ भाई साहब चलो हमें यहाँ से इससे फाइट करनी, आ जा तेरे को एक बार 0%। अरे भाई मैंने फालतू में अपना ये वेस्ट कर दिया, शिट गाइस ये क्या था भाई, व्हाट द हेल, ये क्या देख लिया मैंने अभी भाई। मैंने इसको मेरे को लगा मैं इसको ऐसे एक बार ट्राई करता हूँ, मेरा फालतू मेरे को लगा वेस्ट हो जाएगा, लेकिन भाई ये तो भाई 0.00% में भी ये आ गया मेरे पास। ओ भाई ये क्या था भाई, मेरे को बहुत ज़रा भाई अजीब लग रहा है कि मैंने इतने बड़े बॉस को भाई 10 मिनट के 2 सेकंड लगा के भाई इसको मैंने पकड़ लिया। ओ भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा ही फनी हो रहा है भाई। तो अभी गाइस हम अपने बेस पे आ चुके हैं और भाई अपने बेस को सारा कुछ इधर सीड वीड लगा लेते हैं, जो भी हमारा हार्वेस्ट करना है वो हार्वेस्ट करते हैं लटको। तो यहाँ पे हमारे स्टोन भाई सारे पहले सोए हुए हैं, इतना सारा स्टोन, अरे भाई साहब इतना ज़्यादा स्टोन, ये देखो गाइस मेरे पैल्स ने इतना ज़्यादा स्टोन कलेक्ट कर लिया है और मेरी इन्वेंटरी फुल हो गई। चलो भाई कोई बात नहीं, हम भी गाइस सो जाते हैं अभी। और अभी भाई मैं अभी सुबह उठ के अपना एकदम खतरनाक सा अपने बेस को अपग्रेड करूँगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाऊँगा। ओके कैटी वाक्य कहाँ दिख रहा है भाई मेरे को साइड में, हाँ तो अभी ये भाई ये सारे लोग अपने अपने काम करेंगे, तो अभी मैं भी अपने जगह काम कर लेता हूँ, मैं फालतू में इधर बैठूँगा नहीं। तो यहाँ पे पहले तो सारा स्टोन लेते हैं भाई साहब, कितना खतरनाक काम कर रहे हैं भाई मेरे पैल्स। ओके तो हमारे पैल बॉक्स को चेक करते हैं, तो यहाँ पे भाई मेरे को एक तो इधर का सेटलमेंट करना होगा। तो बस मैंने अपने सारे पैल्स भाई इधर बेस पे रख दिया, और जो भी मेरे काम के थे वो मैंने अपने पास रख लिए। तो अभी गाइस जल्दी जल्दी हम अपना एक और ख़तरनाक सा एक बेस बनाते हैं जिसमें अपने पैल्स को रखेंगे। तो इसमें पहले तो भाई हमें यहाँ बेड लगा देते हैं, क्योंकि भाई जब मैं वॉल लगा लेता हूँ और फिर बेड लगाता हूँ तभी भाई ये बेड का पता नहीं क्या ही ग्लिच हो जाता है, तो अभी लगा देते हैं। तो गाइस हाँ भाई हमारा ये वाला घर तो भाई एकदम रेडी हो चुका है, और भाई मेरी स्टेयर्स क्यों नहीं लग रही है भाई, कब से ट्राई कर जा रहा हूँ ये स्टेयर नहीं लग रही। तो गाइस हाँ भाई आप देख सकते हो भाई मेरे घर में कोई तो ग्लिच सा हो चुका है, और मैं अभी इसको तोड़ भी नहीं सकता, तो इसको भाई इग्नोर करते हैं। वैसे भी ये डिज़ाइन सा लग रहा है। तो यहाँ पे गाइस ये देख सकते हो हमारा एक यहाँ पे एक घर बन चुका है, और इधर से ये देख सकते हो कुछ खतरनाक ही भाई मैंने बना दिया यहाँ पे। तो अभी है हमें एक और बेस बनाना है अपने लिए, जो कि भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक बनाएंगे हम। तो वैसे अब यहाँ पे भाई जल्दी जल्दी से हम ये अपना बेस को कंप्लीट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे वॉल्स लगा दिए, तो अब यहाँ पे हम लगाते हैं अपना डोर, जो कि ये वाला भाई स्टोन वाला डोर है एकदम खतरनाक सा। तो ये तोड़ने में बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है, जो भी मतलब कोई मॉन्स्टर आया है। तो भाई ये क्या है भाई, यहाँ पे गेट बहुत बड़ा सा मैं, ओ भाई भाई फ्री टाइम में ना अभी लाइव स्ट्रीम में ऐसे करेंगे पूरे बेस को भाई ऐसे मतलब कवर कर देंगे ऐसा, ये आयरन वाली वॉल से या फिर दूसरी वाली से। भाई ये देख सकते हो इस वाली भाई, ये कितने सारे यहाँ पे चीज़ें भाई देख सकते हो, हम सारी बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी तो भाई 2 घंटे लग जाएंगे पूरे बेस को कवर करने में, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा बेस है हमारा। तो अभी यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से और बनाते हैं।
तो भाई मेरे को यहाँ पे रखने हैं ये वाले कुछ तो प्रोडक्शन वाली, हाँ ये वाले। तो हमें ये प्रिमेटिव वर्क बेंच बनाते हैं। तो अभी गाइस हमने सारा भाई यहाँ पे कंप्लीट तो कर दिया है, वैसे यहाँ पे ये भी रख देते हैं। आई थिंक मेरे को और थोड़ी फर्नीचर भाई यहाँ पे रखने चाहिए, क्योंकि मतलब सिर्फ बेड से तो काम नहीं चलने वाला। तो अभी हम इधर क्या रखे हैं, तो आई थिंक मुझे यहाँ पे थोड़ी लाइट लाइट तो लगा दी है वैसे। तो हमें यहाँ पे लगाना चाहिए स्टोरेज के लिए कुछ तो लगाते हैं, जैसे कि ये लगाएं, या फिर यहाँ पे एक एलमीरा दिख रही है बहुत खतरनाक सी, ये बहुत अच्छी लग रही है। हाँ भाई तो हम इसी को लगा देते हैं यहाँ पे। गाइस फाइनली हमने इधर लगा दिया ये वाली अलमीरा, और भाई ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। तो मैं कंटेनर तो इधर नहीं रखूँगा, वैसे ये क्या है आयरन शेल, ओ भाई इसको भी लगा ही लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये हमने इसको बिल्ड कर दिया, और ये भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा ही मस्त लग रहा है, यहाँ पे हनी पड़ी है। ओके तो यहाँ पे गाइस ये सारे स्टोरेज वाले तो हो गए, और क्या क्या हम लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, क्या लगाएं यहाँ पे, अदर में भी बहुत सारी चीज़ें फर्नीचर। हाँ वैसे फर्नीचर में मैं कारपेट लगा सकता हूँ, लेकिन ये नहीं लगाएंगे। ये एक्वायर बेंच, यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें, कर्टेंस, केबल रीट, और यहाँ पे एक टेबल जो कि मतलब ये तो नहीं लगाऊंगा, ये कुछ ज़्यादा बच्चों वाली चेयर लग रही है, फ्रॉक चेयर। और इधर भाई यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कंफ्यूज। तो भाई यहाँ पे गाइस मैंने अपना फाइनली घर बिल्ड कर दिया, और भाई ये कुछ ज़्यादा ही भाई खतरनाक लग रहा है एकदम, भाई एकदम तगड़ा लग रहा है। और भाई ये कुछ ग्लिचेज हैं इनको इग्नोर करते हैं, ये भाई ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी ये देख सकते हो मेरे सारे पैल्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। भाई अरे नीचे क्यों फेंक रहे हो यार, थोड़ा सा उधर अपने वो क्रेट में रखो ना। तो अभी गाइस यहाँ पे ये हमारा है कि कंटेनर है, इसमें अंदर भाई मैं सामान भर देता हूँ। देख रहे हो इतना ज़्यादा सामान है उधर भाई, वो जो हम टाइम वेस्ट करके आए हैं टी के पास, इधर से इतना सारा सामान मिल गया। और भाई वेट मेरे पास एग्स भी है ना, तो इन एग्स को हम इनक्यूबेट कर सकते हैं आई थिंक। तो अभी हम इनको इनक्यूबेट भी करेंगे। तो सबसे पहले सारा सामान जो कि हमारे काम का नहीं है वो अंदर रख देते हैं इस कंटेनर में, और भाई फुल हो गया भाई कंटेनर। वेट मेरे को एक और बिल्ड करने दो। तो कंटेनर का ये कंटेनर, इसको हम बिल्ड करेंगे इसके ऊपर। तो ये हमारा कंटेनर बिल्ड हो चुका है, तो इसको ठीक है हमने गाइस इसको बिल्ड करके इधर रख भी दिया। तो इधर में गाइस हमें सबसे पहले ये सारे के सारे सामान भाई रखने होंगे, और ये भाई मैं कॉइन्स तो इधर रखने नहीं वाला। तो एग भी है मेरे पास, यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, तो ये भी रखते हैं। पेल्स फेयर, गीगा पेल्स फेयर, भाई गीगा चैट सुना है, गीगा पेल्स फेयर पहली बार सुन रहा हूँ भाई, चलो कोई बात नहीं। तो अभी यहाँ पे ये हमने ले लिए हैं गाइस एग्स, तो हमें इनको इनक्यूबेट भी करना है। तो भाई सबको एकदम सेटिंग में रख देते हैं, क्योंकि भाई जब भी इमरजेंसी हो तो जल्दी जल्दी उठा पाएँ। तो ये हमने एरो भी रख दिया, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एग इनक्यूबेटर लेना होगा, जो कि एक तो मेरे पास है, तो मेरे पास एक फोर एग्स, तो मेरे को फोर लगाने होंगे। तो गाइस जहाँ भाई मैंने यहाँ पे सारे एग्स इनक्यूबेट कर लिए हैं, तो भाई इसी के साथ हम अपनी वीडियो को गाइस इधर ही एंड करते हैं। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that.